बुआ जी आपको वहां बैठ के एंजॉय तो करना होता, वो भी काम नहीं आप ठीक से कर रही हैं, यहां पे बैठ के मोबाइल पे मैसेज पढ़ रही हैं आप। अरे मेहमान पीछे भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़े देखा एक्टर बन गई हैं, हरकतें इनकी मवालियों वाली, ऐसे कोई देखी लेडी करते हुए। अच्छा आप सब लोग जर्सी के बारे में जानते हैं? मैंने अर्चना जी से पूछा जर्सी क्या होती है, कहती जर्सी एक गाय होती है जो 20 लीटर दूध देती है, कभी कभी 40 लीटर भी दे देती है, और फिर हम लोग उसका पनीर बना सकते हैं, मुर्गी छेना रसगुल्ले, हर जगह खाने पे ध्यान आपका। जर्सी होती पहनने वाली, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, हर क्रिकेटर का सपना होता है जर्सी पहनने का। अब देखना जिंदगी भर आदमी ग्राउंड पे मेहनत करता रहता है, एक लड़की तक नहीं देखती उसको, और एक दिन जिस दिन उसको इंडियन टीम की जर्सी मिल जाती है वो भी नहीं किसी लड़की को देखता, सीधी हिरण को देखता वो। अच्छा पहले तो क्रिकेट में सिर्फ प्लेन जर्सी होती थी, ऐसे में ना दूर से पता नहीं चलता था कि मैदान में कौन खेल रहा है, विदेशी अंपायर बड़ा कंफ्यूज होते थे कि पांच पांच कपिल देव कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि वेंगसरकर, कीर्ति आजाद, रवि शास्त्री सब उनको एक जैसे दिखते थे, सेम हाइट, सेम मूछे। अच्छा हमारे तो पांच ही सेम थे, वेस्ट इंडीज के 11 एक जैसे दिखते थे। अच्छा इसका फायदा भी होता था पता है, अगर कोई कैच छोड़ देता था दर्शकों को समझ में नहीं आता था गाली किसको देनी, शाबाशी किसको देनी है, लेकिन फिर जर्सी पे नाम और नंबर आ गया, लोग आसानी से बता देते थे वो तो सहवाग खेल रहा है, वो देखिए सचिन खेल रहा है। कई लोगों को तो सचिन की जर्सी के देख के ना, कई जो छोटी मोटी सीरीज होती है खिलाड़ी ना उनका नंबर अपनी जर्सी पे छुपा लेते 99, फिर जब 10 पे आउट होके बाहर आते थे ना कैप्टन विकेट लेके मिलता था, इधर 99 रन तेरे से 15 नहीं बने, सचिन तेंदुलकर बनेगा तू। आजकल आप देखना खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के सपोर्टर्स जो होते हैं ना वो भी मैदान में वैसी टी शर्ट और जर्सी पहन के आते हैं, आपने देखा होगा जो बैठे रहते हैं ना मैच देखने, कई लोग तो मैच में चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं और ध्यान उनका जाता है कि बड़ी खूबसूरत लड़की राजस्थान रॉयल को कर रही है, उसी समय वो चेन्नई का मेदू वड़ा नीचे रख के राजस्थान का घेवर उठा लेते हैं, मतलब बाथरूम में जाके टी शर्ट चेंज करके आ जाते हैं, फिर क्यों उनसे पूछता ना अभी तो तुम चेन्नई को सपोर्ट करते थे राजस्थान में कैसे आ गए, अबे 2 घंटे की फ्लाइट है तो अपना काम करना आ गया चला। कई बार मैंने देखा ऑडियंस में ना जर्सी पहने बड़े पेट वाला फैन जो होता है एक उछल उछल के कर रहा इंडिया इंडिया, जब टी शर्ट ऊपर आती ना तो मैच तो चल ही रहा इनका अपना फुटबॉल नेशनल टीवी पे दिख रहा होता है, फिर जो पीछे खड़ा देख रहा होता है ना वो बोलता है भाई टी शर्ट नीचे कर, तेरे पीछे वाले 2 फुटबॉल भी दिख रहे हैं। आजकल जर्सी का साइज जो है ना स्पॉन्सर के हिसाब से डिसाइड होता है, अगर कम स्पॉन्सर हो तो ऑर्गेनाइजर बोलता है टी शर्ट हाफ बाजू रख लो कोई बात नहीं इसमें सारे आ जाएंगे, जब स्पॉन्सर ज्यादा होता है कहते फुल कर दो। कभी कभी तो मैच से ठीक 15 मिनट पहले कोई स्पॉन्सर आ जाता है ना तो पीछे ग्रीन रूम में बैठ के कॉलर लगा रहे होते हैं, वो एक कॉलर और लगा एक स्पॉन्सर और आ गया। अच्छा आज मैं जर्सी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो भी मैं स्टैंड अप करता हूँ ना सोनी वाले बड़े चलाक हैं, वैसे ही फिल्म ले आते हैं, जैसे जर्सी के ऊपर बोल रहा हूँ तो जर्सी ले आए, मैं जिस पे स्टैंड अप करता हूँ वो लोग आ जाते हैं, किस्मत ऊपर वाले का क्रम है देखिए आप। अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू साहब पे स्टैंड अप करूँ। खबरदार जो तूने उस पर स्टैंड अप किया, कहीं और कर लूं, मैं तुझे स्टैंड आउट करा दूंगी। अब तू अपने गेस्ट बुला यार, ऐसे लगता है इन्होंने ना मुझे दिहाड़ी पे रखा हुआ, चल चल तू बुला अपना। बताया ना आपको गुंडों वाली भाषा है इनकी। तो आइए जर्सी की स्टार कास्ट को स्टेज पे बुला लेते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मृणाल ठाकुर एंड शाहिद कपूर। अच्छा देख लो मैं भी आके इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए कोई ओ नहीं करता, शाहिद भाई आते ओ, इधर से लड़के मृणाल के लिए कर रहे हैं, हम चलें कहीं ऋषिकेश चलें अर्चना जी। नहीं शाहिद वाज ब्लोइंग मी फ्लाइंग किसेस, सो मैं नहीं जा रही। नहीं आपके पीछे एक लड़की बैठी शायद उसको कर रहा था आप, अबे क्रेडिट ना लिया करो आप। अच्छा हमारे शो में ये दूसरी बार हुआ एक्चुअली कि एक फिल्म की प्रमोशन 2 बार हो रही है, एक बार अक्षय भाई आए थे सूर्यवंशी के लिए और जर्सी के लिए मृणाल और शाहिद भाई आए, बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। आपको पता मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं दूसरी बार, क्योंकि जब प्रमोशंस का प्लान बना तो हमें पता चला यू नो कपिल पे 2-2 बार बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब पूछना शायद सही ना लगे, वो लोग मना कर देंगे, तो मैं अपनी वाइफ मीरा से डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि घर पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मम्मीज होती हैं, जो आंटीज होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जब तक आपकी फिल्म का प्रमोशन कपिल पे नहीं होता उनको बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म रिलीज हुई है। और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इतना प्यार है इस देश को कपिल के शो से और इतना लोगों को आदत हो गई है कि एक्टर्स आके फिल्म प्रमोट करेंगे। अरे लव यू भाई, थैंक यू, लव यू टू मृणाल।
कपिल या कैसी हो? मृणाल, डू नॉट एनकरेज हिम यार. मैं एक बात बताती हूँ मैम. द थिंग इज, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ, कपिल विल नॉट बी हैप्पी. आप क्यों जेलस हो रही हैं? एक बार वो आए प्रमोशन के लिए, तू ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुका है, तो इस फिल्म का कोटा तेरा फ्लर्टिंग का खत्म. इस हिसाब से इस एपिसोड के पैसे तो आप ही ले चुकी हैं. बड़ी खुशी है, कहती आज शाहिद और मृणाल आ रहे हैं. एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं. ये मुझे सडनली रियलाइज हुआ आप लोगों की बातों के बीच में कि यार प्रमोशन भी तो हम एक बार पहले कर चुके हैं, पैसे का तो डिस्कशन किया नहीं सेकंड टाइम के लिए. पर शाहिद भाई ने वेट किया, फिल्म में जो है थिएटर में ही रिलीज करूंगा, शाहिद झुकेगा नहीं. शाहिद भाई चाहते तो आप ओटीटी पे भी रिलीज कर सकते थे. जी, क्या वजह थी? आपने कहा मुझे थिएटर में रिलीज करनी है. एक्चुअली ये कुछ ऐसी फिल्म है कि पूरी फैमिली के साथ थिएटर में बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने का जो एक मजा होता है. जी, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप घर पे देख सकते हैं, और हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो इनफैक्ट हमने ये फिल्म देखी थी, तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी. और जब ये फिल्म बन रही थी ना, तो जितने भी सीन्स थे इसके, उनका इमोशन कुछ ऐसा था. यू नो, कुछ फिल्में होती हैं जब आप थिएटर में इंटरवल होता है तो सबका मूड एक सेम होता है, और सब एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस साथ में कर रहे होते हैं. मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पे जब देखी थी, तो यू नो इंटरवल में सब अपने आंसू पोंछ रहे थे ऐसे ऐसे, यू नो सब ऐसे अपना फेस छुपा रहे थे, या यू नो जैसे लगान थी तो सब थिएटर में साथ में इंजॉय कर रहे थे. तो ये शायद उसी तरह की फिल्म है, एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ इमोशन है. और हमने इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनाया था, और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ना मेरी इतनी ताकत है, ना प्रोड्यूसर्स की है, ना किसी की है, वो ये फिल्म की ताकत है कि जितने भी लोगों ने ये फिल्म बनाई, वो सब चाहते थे कि चाहे वेट करना पड़े, चाहे ज़्यादा वक्त लगे, चाहे दो बार प्रमोट करना पड़े, चाहे पैसे का रिस्क लेना पड़े, लेकिन फिल्म तो ये हम थिएटर में ही लगाएंगे. ये सबको लगता था ये फिल्म इसी के लिए बनी. क्या बात, जो सोच लो वो हो भी जाता है. और मृणाल, एक मैंने देखा आप इनको क्रिकेट खेलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं आप. क्यों? ये सफेद जर्सी आपको धोनी पड़ती है इसलिए. क्यों आप उनको खेलने नहीं दे रही क्रिकेट? अरे क्या करूँ कपिल, मतलब घर का काम भी मुझे ही करना है, ऑफिस काम के लिए भी मुझे ही जाना है, पैसे कमाने, बिल्स पे करने हैं, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? कुछ तो कर ले ये. नहीं ठीक है, है ना, सही मैं बात करूंगा फिल्म में. ऐसा मत सोचना कि कुछ करेगा ही नहीं पिक्चर के अंदर. इतना नालायक भी नहीं हूँ मैं, करता हूँ करूंगा. तो कपिल मुझे एक बात बताइए, आपका नाम तो लेजेंडरी कपिल देव के बाद है. जी, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही सारे क्रिकेट की नॉलेज होगी. बहुत ज्यादा, मैं शो ऑफ नहीं करता, नजर ना लग जाए. पर एक सेकंड, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि गुगली का मतलब क्या होता है? सी, जैसे गूगल होता है. हाँ. नहीं सुन तो लो, जैसे गूगल होता है. हाँ. इस पे हम सर्च करते हैं. हाँ. वैसे ही गूगली होती है उसकी छोटी बहन. Oh, तो जिन देशों में नेटवर्क कम आता है वहां पे लोग गूगली पे सर्च करते हैं. एक मिनट, शायद आप बताइए. मैं अभी भी गूगली पे अटका हुआ हूँ. क्या होती है गूगली शाहिद भाई? कपिल, गूगली वो बॉल होती है जब एक स्पिनर डालता है, जैसे वो ऑफ स्पिनर है, तो जब बॉल डालता है तो बैट्समैन को लगती है बॉल बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है. अच्छा, मतलब अर्चना जी जैसे सिद्धू जी को लगा था कि आप उधर जा रही हैं और आप इधर आ रही हैं. ओ, एक और सवाल आपके लिए. डकवर्थ लुईस क्या होता है? कौन? डकवर्थ लुईस मतलब जिस डक की वर्थ लुईस जितनी हो, ऐसा कुछ नाम तो अमीर है, पानी वानी तो नहीं पिलाते होंगे टीम में. शायद आप बताइए. डकवर्थ और लुईस सर दो अलग अलग लोग हैं. अच्छा जी. और ये समझ लीजिए कि क्रिकेट के चौधरी वही हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं. अच्छा. वो इन्हीं मिस्टर डकवर्थ एंड मिस्टर लुईस वो साथ में बैठते थे और यू नो ऐसा इडली सांभर खाते थे और रूल्स बनाते थे. अच्छा, हमें सुना ही था डकवर्थ लुईस, पर आज जो आपने एक्सप्लेन किया ये पहली बार पता चला, धन्यवाद. ठीक है, एक अर्चना जी एक आखिरी सवाल. कपिल, इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे नौकरी देने वाली हो? आपने कहा ना आप शो ऑफ नहीं करते, मैं भी देखूं. आपने कहा से नॉलेज ज्ञान की है ये. जी. खिलाड़ी जब LBW आउट होता है वो कैसे होता है? अपनी गलती से ही होता है और क्या. अच्छा, ये दोनों बड़ा मेरा एग्जाम ले रहे हैं ना. अभी मैं आपको एक दुविधा में डालता हूँ. मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जिनके आगे मैं आप तो छुपी है, इनकी भी बोलती बंद हो जाएगी. कराऊं? हां प्लीज. तो मैं अब मंच पे उनको बुलाने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के चाहते हैं, सबके फेवरेट है, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर. प्लीज वेलकम
मिस्टर पंकज कपूर. जोरदार तालियां एक बार पंकज सर के लिए. पंकज सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. बड़े सालों से हमारी इच्छा थी, तमन्ना थी कि आपके दर्शनों का भी मुलाकात हो जाए. जी बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. थैंक यू फॉर कॉलिंग. आज ना पंकज सर को देख के तमाम वो टीवी सीरियल्स जो हमने देखे इनके, तमाम वो फिल्में, जानबी दो यारों से लेके मकबूल तक, मतलब वो सारे किरदार घूमने लगे हैं, तो मेरी तो हालत खराब हो गई है. आप शाहिद को भी देख लो. ऐसे खड़ा जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पापा बिना बताए नहीं आ गए. सर मैंने पूरी पिक्चर की है सर, सोचो. ओह पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो, जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है. मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि काफी अरसे के बाद और काफी अरसा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था. अच्छा जी. जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था. अच्छा जी. और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है. अच्छा जी. दो चार डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ. अच्छा जी. आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ. अच्छा. अरे बाप रे, क्या बात है. कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो. अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा. हाँ, प्रोबेबली. बहुत अर्ली डेज की बात. आप देखते थे वो सर? जी मैं कभी कभार सर की खातिर. आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है. आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. तालियां जोरदार होनी चाहिए. शायद भाई जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे. जी. जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? ये मेरे साथ नो डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था. जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार. डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ यू नो अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे. तो मैं 5-6 साल का था. खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसा पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे और डैड खा रहे थे और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे हैं. दिखा रहे हो. अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहां से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना. एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा. एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से. अच्छा. डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंचे, आंख बंद करके भागते रहना. वी एक्चुअली हेल्ड हैंड्स एंड वी रैन आउट ऑफ देयर. सो दैट्स हाउ पॉपुलर यू नो स्पेशली करमचंद वाज फॉर डैड. याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था. जी. और एक दिन तुम आए थे पंकज बराशा के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता. तो हमने बोला क्यों? लोग मुझे बहुत पहचानने लगे हैं अब. एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड something so famous जो कि बहुत ही ordinary गाजर को तुमने बहुत famous कर दिया. I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened, उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना start हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ आ गया. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को, कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है, जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी. इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी, उसके बाद अर्चना जी आ गई थी. तो सर ये के लिए आई थी, दो दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर. जैसे मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है. इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं. अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है. मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी. ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने. I wish. पर सर जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे. जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं. जी. कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा ढूंढ दो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ, विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि
एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रहीं लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रहीं। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं, कह रही मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की, लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही देखने की। तो शायद उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी, तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मगर एक छोटी सी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें। जी सर प्लीज़। आपने यहाँ बुलाया तो आपके शो में दाखिला लेने के लिए जब मैं इस गली में टर्न किया तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था इस गली में बहुत से कुत्ते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गया। बाप रे। अच्छा बोर्ड लगाया किसने है लेकिन बड़ा केयरिंग इंसान है, उसको काटा होगा किसी कुत्ते ने। नहीं एक्चुअली हमारे यहाँ ये पूरी गली में जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो सारे स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 8 हुए, 8 से 16 ऐसे करके, मतलब हमने उनको स्पे करवाया है लेकिन फिर भी काफी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर किसी ने लगा दिया। तो हमारा जहाँ पहले सेट था ना, जब जब पहले पहले शो शुरू किया था तो वहाँ पे आग लग गई थी, तो वहाँ पे ना सारे छोटे छोटे पप्पीज थे उनको हम यहाँ पे ले आए थे। अच्छा। अब उनको पता है कि ये देखरेख तो करते ही है, वो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा एक सीजन होता है उनके 4-4 जनरेशन आ जाती है। एक्चुअली मैंने जर्सी के जो डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू देखा था, वो ये बोल रहे थे कि जब शाहिद और पंकज सर एक साथ फ्रेम में होते ना तो मेरा ध्यान इनसे हटता नहीं। आपने कभी उनसे पूछा ना कि जब सारा ध्यान मेरे पे है तो शाहिद के पैसे मेरे को दे दो? सर मेरा दूसरा सवाल था उनसे। जी पैसों का तो मुझे पता था कोई सवाल उठता ही नहीं, और वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे क्यों लेना चाहूंगा। जी बात वाह, मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूँ। मगर गौतम सर के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उनसे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है कि सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है, और ये कह के कि इसने अच्छा काम किया है पूरे यूनिट के अंदर ये अफवाह भी फैला दी थी कि ये कोच का रोल कर रहा है, इसको केवल मैं कोच करूँगा और कोई कोच नहीं करेगा। वाह सर, जैसे इस फिल्म में ना एक सीन है कि शाहिद एक शॉट मारते हैं, बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है, बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटा ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ मैं जब कभी दिल्ली आता जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए मैं बैटिंग करूँगा, लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे दो किस्से हैं अगर आप इजाज़त दें। जी जी सर प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? जो आपका मन हो। नहीं जो आप बताइए। सर आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा बताए। नाइस। तो मैं शरारती वाला पहले बता देता हूं। इनको ना ऑरेंज रंग की चीजें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जिस हम सबको बड़ा शौक होता था, जो भी जिस चीज में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो इस ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता है इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फड़ाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था, लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे, इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3-3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ के कहा कि बाबा आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। विच वॉज अमेजिंग फॉर अ स्मॉल किड। I would like to clap for him today. Wonderful. क्या बात है शाहिद भाई? 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकलने और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। अच्छा पंकज सर आपसे क्योंकि कभी सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का, जैसे आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है, मतलब
एक रास्ता पता है कि कैसे जाना है जी. जब आप इंडस्ट्री में आए उससे पहले आप एनएसडी में थे जी. अच्छा, एनएसडी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एडमिशन हो जाता है, एनएसडी कंप्लीट हो जाता है, लोग अगले ही दिन टिकट कराते हैं, मुंबई आते हैं. और हमने सुना कि आप एनएसडी कंप्लीट करने के 10 साल बाद मुंबई आए, तो कोई एफडी का मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? 10 साल क्यों आपने वेट किया सर? नहीं, मेन वजह तो ये थी कि मैं तालीम हासिल करने के बाद वहीं पे नेशनल रेपर्टरी कंपनी में प्रोफेशनल एक्टर के बतौर अच्छा जी काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था. फिर उनको मेरी मौजूदगी बहुत मुनासिब नहीं लगी. अच्छा. तो एक दिन गांधी फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दी, लेकिन बाद में उसी की वजह से निकाल भी उन्होंने दिया. अच्छा जी. तो फिर एक मजबूरी आन पड़ी और फिर वो एफडी तोड़ाना पड़ी. तो फिर वो बम्बई आना पड़ा, और बम्बई आ करके यहाँ पे काम ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ. एंड मेरा ख्याल है शायद तकदीर ने ऐसे ही करना था, और इसी वजह से हुआ. मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है. आई थिंक इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, और आज भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि वहाँ पे रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत अभिनय की मैच्योरिटी हासिल करने में मुझे थोड़ी थोड़ी मदद मिली. और यहाँ आने के बाद मेरी स्ट्रगल तो रही कुछ अरसे के लिए, लेकिन परफॉर्मिंग में उतनी स्ट्रगल नहीं रही, वक्त काम तलाशने में ज़रूर स्ट्रगल रही. मैंने एक बार सर एक समर कैंप होते ना हमारे, वो कैंप लगाने आते हैं एनएसडी वाले, बोलते आप एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं. मैं कहा, हाँ. कहते क्यों? मैं कहा मुझे फिल्मों में जाना. कहते बाहर बैठो. बताते हैं तो मतलब एनएसडी में ऐसे मैंने सुना है कि जो अगर जाके बोल दे कि फिल्मों में जाना, तो फिर उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते भी. पर होता भी यही है कि एनएसडी में जितने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आए भी, और हम चाहते भी यार अच्छे अच्छे एक्टर्स आएँ. पर सर आज तो मज़ा आ गया सर आपको देख के. वाह, थैंक यू सो मच. थैंक यू. शायद भाई, आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी, तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी. तो डैड मेरे पास आए, गुड, कीप वर्किंग हार्ड. पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था. इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे यू नो दैट फैशन वाज इन देयर. आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड. मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूँ, यू नो. और एक दिन डैड ने मुझे कहा, यू नो, हम लोग आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी, और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड, व्हाट्स हैपनिंग. एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी. सो आफ्टर सम टाइम लाइक, क्या हो गया डैड, व्हाट आर यू वेयरिंग? स्कूल डैड, इट्स स्कूल. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या अच्छा. जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शाहिद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं. कॉलेज वॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी. क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी. और भाई क्या, हमारा छोड़ा. सीरियसली मतलब उठा लेती थी? उठा क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही. तो मृणाल, आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ. क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह. क्या करने के लिए? सडनली आई हैव नेवर सीन दिस एक्सप्रेशन ऑन कपिल बिफोर. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आ दिया. हां, और साइड में पंकज सर बैठे. मैं क्या बोलूं, भूल गया. पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है. इन्हीं सर, हां बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूं. हां, मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे. एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे अंदर से, चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है. कमाल है. मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, यू नो, हम सडनली जैसे डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे. मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूं. पंकज सर, कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं गए जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इंप्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना दो मिनट? ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो. हाँ. ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो. हाँ, हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो.
And I feel very proud. बिल्कुल सर, बिल्कुल. I feel very proud. ये dad, dad is being very kind. मैं अपने experience से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके show पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि यू नो बहुत लोगों को प्यार है उनसे. और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पर करें, चाहे आप यू नो OTT पे आजकल काम कर रहे हैं या फिल्में करें या स्टेज पर करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर लेते हो. और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं. जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ. वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है. राइट डैड, आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए. कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे. यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन. ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया था जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है. दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है ऐसा लगना चाहिए. तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया था. सर प्लीज प्लीज. ये स्टेज के जमाने की बात है. अच्छा, जब हम लोग थिएटर करते थे तो एक प्ले किया था हम लोगों ने वॉइजिक नाम से. अच्छा जी. जॉर्ज बिखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है. तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20x20 का स्टेज था सिर्फ. अच्छा. सो वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी. तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे. उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस. तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है. तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर वॉइजक का रोल मैं करता था जो अपनी बीवी का कत्ल करता है. मतलब ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है लेकिन वो माइंड था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका. और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे. और फेंकने के बाद देर इज नो नाइफ इन माई हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप. सो दैट वॉज माई आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीव, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा. बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से, बड़ा आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है लोगों ने, आगे भी सीखेंगे. मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ कितने भी बजे, कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ. मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल हैं अब्बा जी. तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया. नहीं ये फिल्म का हिस्सा था. अच्छा जी. ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था, वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है. सो उस नजरिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा. सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है, पंकज सर जब आते हैं ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब्बू इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था. और फिर ना जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीज़ें कहीं से ऑब्जर्व करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी, लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते. तो ये मेरा मानना. ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है ना अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं एंड ही स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स. अब अच्छा नहीं लगता है कि अपने बेटे के बारे में आप बात करेंगे, वो बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और मेहनत भी करते हैं. हाँ, और उसके लिए आई फील सो प्राउड एज अ फादर कि भाई
ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए. अच्छा जी. उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूँगा कह के इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कर दो भाई तुम भी कर दो. तो इन्होंने वो किया था. उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पर शुरुआत की थी. बट हिज मेरा ये मानना है बिल्कुल हिज स्ट्रेंथ इज इन ड्रामा, हिज स्ट्रेंथ इज इन ability to act and to understand the atmosphere in which he's working. Wow. पर आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई. एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए. अच्छा मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना. अच्छा कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्यारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं. जो आपके घर में अपनी बाइक हैं वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा है आपकी बाइक कभी भी घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार. ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं. हाँ जी हाँ जी. और वो आपका शो बड़ा देखते हैं. सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना. सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस वैंस बड़ा खुला हो गया, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था जी. जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार कपिल. मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन. अच्छा इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर. तो इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती. तो और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिली जी, तो जो मुनासिब करना चाहिए था किया गया. मगर इनको जब मैं देखता हूँ तो उस वक्त ये होता है कि जो ये किरदार निभा रहा है उस किरदार के तहत अगर रोमांटिक सीन है तो ये उसको सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और कर पा रहा होता है तो उसकी सलाहियत को मुबारक देता है आदमी, उसकी किस्मत को नहीं. एक बार जोरदार ताली हो जाए यार. वाह. हाय हाय हाय. दिस इज कबीर सिंह. फकीर सिंह कौन? कपूर शर्मा. हाँ ये मेरी बंदी है. अच्छा अर्चना जी. हाँ जी. ये मेरी बंदी है. हाँ ठीक है. पंकज सर. हाँ जी. ये मेरी बंदी है. जी जी बिल्कुल. मृणाल ये मेरी बंदी है. Are you sure? तू इतनी गंदी है. हम उतने भी गंदे नहीं है जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं. हम जा रहे हैं. प्रीति प्रीति मेरी बात सुनो. प्रीति आप प्रीति नहीं है, पुरुषोत्तम है. हम पुरुषोत्तम गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं. पुरुषोत्तम मेरी बात तो सुनो. बाइक भी लेकर गया. ओए 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 शाहिद सर सॉरी. चलो अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ. अच्छा अब रिवील हुआ है. एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ, ये कौन बैठा है? वाह वाह क्या है ये यार. ये मेरी तैयारी है शाहिद सर. कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपर हिट, तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है, उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ. अच्छा तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरो ना वो मिल नहीं रही. मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई? तो एक ही बात हो गई. चंदू तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं? कोई शर्म नाम की चीज है? कहां से लगता है तू शाहिद कपूर कबीर सिंह? कहां से लगता है यार? ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं? तू फर्स्ट कॉपी नहीं, तू वर्स्ट कॉपी है. सर इसमें ना ये आदमी में, ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी, स्कूल का, अमृतसर के टाइम से. शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है. चश्मा निकाल के बैठे इधर. तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं. शर्म तो सर एक वर्ड होता है. वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर. पाँव नहीं साथ में बड़ा भी रख. समोसा रख साथ में, खाली पाँव से कुछ नहीं होगा तू.
दो चार पैसे कमा जागे। एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है, मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये। एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का, 6 महीने उसके घर में रहने चला गया। उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया, कल से शूटिंग चालू है, 9 बजे आना। कहता है 9 बजे नहीं, थोड़ा लेट करो, 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी। इतना मेथड एक्टर है ये, उसको मजा आने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर, एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था, तो इसलिए ऐसी चीज हो गई है। अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर, आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए। दिशा नहीं, तू शीशा देख। तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत, झट से पकड़ लेंगे, खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो। सर ये ना हमें ये इधर बात नहीं करने देगा, आप एक काम कीजिए, आप मेरे अपार्टमेंट में आइए, तो वहां बैठते हैं हम, बस उधर ही। सर बिल्कुल कभी जाना भी मत, ये अपार्टमेंट बोलता ना जो है नहीं, रेलवे के कंपार्टमेंट में रहता है ये। मेरे को एक बार इसने डिनर पे बुलाया, डिनर शुरू हुआ मुंबई में, खत्म हुआ आगरा आ चुका था। ऐसा आदमी है ये, आधा किलो के मुंह पे 1.5 किलो बाल लगा के आ गया तू। ऐसा लग रहा किसी ने कबीर सिंह को सारी रात भिगो के रखा, सुबह निचोड़ के सामने रख दिया। ओहो सर ऐसी कोई बात नहीं, आप वहां पर आए, एम्बियंस बहुत प्यारी है सर वहां की, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहां पे। वहीं पे तो रहता है पेड़ों पे, ये रोज प्रैक्टिस करता है पता है ऐसे ऐसे चलने की। मैं कहा ऐसे करता है, कहता मैंने इंसान से वापस बंदर बनना है। मैं कहा क्यों? कहता क्या फायदा इंसान बनने का, किले खरीद के खाने पड़ते हैं। ये वो सब पुरानी बातें कपूर शर्मा, पिछले सोमवार की है तो पुरानी हुई फिर। तो अब क्या, अब कहाँ रहता तू? अब मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया हूँ। बैंड्रा भी स्टेशन पे ही ना, तो स्टेशन बैंड्रा में नहीं आता। हद हो गई यार। शायद सर मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टेशन पे रहने के फायदे बड़े हैं, बंदा बोर नहीं होता। रेलगाड़ी के आप डिब्बे गिनते जाओ, आपका दिन निकल जाता है। और रात को? रात को रात वाली गाड़ी के गिनते जाओ। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे मेहमानों को दी, इनका वो क्या करें? तो मैं क्या करूं फिर इस जानकारी का, मैंने भी तो कहीं ना कहीं देनी है ना जानकारी। यार कपूर शर्मा तुमने बातें सुनी नहीं, कहावतें बनी है, हर कुत्ते का दिन आता है। आपको पता है जब से इसने ये कहावत सुनी पंकज सर, इसने 4 कुत्ते पाल लिए। चारों को दोनों टांगों से पैरों से मसाज दे रहा था। मैं ये क्या कर रहा है? कहता क्या पता किसका दिन पहले आ जाए, जिसका पहले आ गया मैंने उसके साथ शिफ्ट हो जाना। कहता ये हरकतें करता है कपूर शर्मा। किसी खड़े आदमी ने कहा है कि अपना जो फोकस है ना आपकी मंजिल पर होना चाहिए। खड़े आदमी ने, बड़े आदमी ने कहा? बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ये देखो। आपको पता पंकज सर ये सब जो बातें बोलता है ये सुनने के हमें चैनल कुछ नहीं देता, वैसे सुनते फ्री में सुनते हैं। सर आपने वो रोल किया था, मुझे ये बताइए वो मैं क्या करूं उस रोल के लिए, वो जगीर सिंह कुछ नहीं करना, तू परफॉर्म करके दिखा दे, वो अपने आप किसी और को कास्ट कर लेंगे। सर मेरे को अगर एक मौका मिल जाए ना तो मैं एक्टिंग के छक्के छुड़ा दूं। सर पहले अपने दादा को छुड़ा, जेल में बैठा है जाके, एक्टिंग के छक्के छुड़ाएगा तू, वो फिर जेल में चले गए। अच्छा उनका भी पता नहीं चलता सर कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं, वो सर स्मार्ट बैठे थे, वेकेशन पे गए होंगे। वेकेशन पे स्मार्ट तो बहुत है, आपको पता है इसके दादा ना सर नकली चाबियां बना लेते थे, खुद जेल में थे, खुद ही नकली चाबी बनाई, जेल का ताला खोल के भागा नहीं जेलर के पास चला गया, कहता मैंने चाबी बनाई इसके पैसे दे दो, फिर पकड़े गए। अब काम तो काम होता है ना सर, अब सर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गधा नहीं घोड़ा, घास से घोड़े होते तो भागना जाते। वैसे पता क्या जिंदगी में सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसके चढ़ाव कभी आया नहीं, उतार ही उतार आते हैं। कोई भी सामने जाता ओए मेरा चश्मा उतार, ओए मेरी घड़ी उतार, तेरा चढ़ाव कभी आया? हाँ तो सर जिसने दिए वो वापस भी तो लेगा ही। इसने कार ले ली शाहिद भाई काम कर करके, पर हरकते नहीं जाती, कार में जा रहा है सिग्नल के रेड लाइट हुई, अपनी कार से उतर के दूसरे कार को मांगने लगता है। हरकते छोड़ एटीट्यूड में क्या ना अंदर। सर चक्कर पता क्या है, इसने ना जो हमारी जो मेन बात है ना वो इधर नहीं होने देनी, मैं आपको बाहर सिग्नल पे मिलता हूँ। देखा। मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। ओके पंकज सर आप हमारे शो पे पहली बार आए, मृणाल और शाहिद भाई तो आ चुके हैं बहुत बार, हमने एक सेगमेंट जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, तो नीचे ना सर हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है, फनी कमेंट्स लिखने शुरू कर देते हैं वो। okay. तो कुछ कमेंट्स हमने निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। शाहिद
शाहिद भाई ने फोटो डाला स्ट्राइप ट्राइब. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत पिक्चर है. कमेंट्स दिखाइए नीचे. सर सच सच बताना, मौजे धुले नहीं थे या आगे से छेद हो गया था? सर कपड़े डिजाइनर के हैं या पर्दे के? अब कोई मुझे बताएगा कि शर्ट कहां पे खत्म हो रही है और पैंट कहां से शुरू हो रही है? और आगे दिखाइए. मृणाल ने फोटो डाला पिज्जा और क्वेश्चन मार्क. दिखाइए जरा कमेंट्स. आप पिज्जा खाते कितनी क्यूट लग रही हैं, मेरी वाली तो 10 इंच पिज्जा के लिए 12 इंच मुंह खोलती. बताओ ये वही है जो जर्सी में 500 रुपए के लिए हस्बैंड से लड़ रही थी? और दिखाइए. लड़की कितनी भी डाइटिंग करे पिज्जा देख के पिघल ही जाती है. मैं पिज्जा सैंडविच बड़ा पाव का ठेला लगाता हूँ, क्या मैं आपका फोटो ठेले पे लगा सकता हूँ? हफ्ते में एक पिज्जा आपका. पिज्जा नहीं चाहिए, पिज्जा. और दिखाइए. ये पंकज सर ने फोटो डाली है. अच्छा वाह, नसीर साहब हैं, पंकज साहब, सुप्रिया जी हैं, रत्ना जी. दिखाइए कमेंट्स. ये नसीर साहब की बीवी के पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन के अल्बर्ट आइंस्टाइन. आदमी लाइफ में कितना भी आगे निकल जाए फोटो में बीवी के पीछे ही अच्छा लगता है. और आगे दिखाइए. द बियर्ड गेम. शायद भाई ये क्यों बांधा हुआ है? तो सेट द बियर्ड. सर ये सेट करने के लिए. हाँ जी, जब आपकी बियर्ड ज्यादा लंबी हो जाती है. नहीं पर आपने असली नहीं रखी थी कबीर सिंह में? नहीं असली बियर्ड थी लेकिन अच्छा, उसको सेट करने के लिए. राइट राइट राइट. नहीं तो वो ज्यादा फैल जाती है. राइट. दिखाइए जरा कमेंट्स. जब हर फिल्म में बीवी आपको किस करते हुए दिखे. इतनी कस के दाढ़ी बांधी है कि सर के बाल खड़े हो गए. आपने पट्टी बंधवा तो ली लेकिन अब खोलने के लिए कैसे बोलोगे? आगे मृणाल ने फोटो डाला बिहाइंड द सीन्स, व्हाट ए जर्नी, थैंक यू टीम. ये कौन सी पिक्चर का है मृणाल? ये लव सोनिया. ये फिल्म रैप था. एलए में शूटिंग हुई थी. हाँ, और मेरे कौन है ये गोरा जो तुम्हें उठा के जा रहा है? हमारे डीओपी है. तो डीओपी करें अपना काम, करें ये क्या कर रहे हैं? तू भी अपना काम कर, ये क्या कर रहा है? हमें बोलती हमें यहाँ से उठा के एलए छोड़ाते हैं. दिखाइए कमेंट्स. पीछे सबसे ग्रीन टी शर्ट वाला देखो, उसको पता है अब तो. कैमरा वाला सोच रहा है इसने कैमरा तो कभी उठाया नहीं, लड़की के लिए तुरंत तैयार हो गया. देखो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बड़े हैं. वैसे तो ये सब मिलके टैक्सी भी कर सकते थे लेकिन बंदी उठाने के चक्कर में लगे हैं. पहली बार डॉलर पे रुपया भारी पड़ा है. और देखो किसने लिखा है, अंग्रेजों मृणाल छोड़ो. अंग्रेजों मृणाल छोड़ो. ये अंग्रेज नहीं होते सारे गोरे आदमी, अंग्रेज नहीं होते मेरे भाई. और दिखाइए. मंडे मॉर्निंग्स. ये कब की फोटो है पंकज सर? ये एक फिल्म की है, शहर नाम की फिल्म है. अच्छा जी, दिखाइए कमेंट्स नीचे. वेयर इज दिस पंकज, वेयर इज दिस टेक? दिस इज लखनऊ. लखनऊ. पंकज कपूर बी लाइक, अबे 10 किलोमीटर साइकिल चला ली, सीन कट कब बोलोगे? सर स्पीड ब्रेकर आता है तो आप भी सीट से उठ जाते हैं? अच्छा टेक्निकल चीज है ये. बाइक भी जो चलाता है वो ऐसे उठ जाते हैं स्पीड ब्रेकर. सर आप किसी फिल्म में साइकिल चला रहे हैं या ये पेट्रोल महंगा होने का साइड इफेक्ट है? और आगे दिखाइए. स्टे शार्प, वेट फॉर इट. वाओ व्हाट अ पिक्चर. दिखाइए कमेंट्स. नीचे साउथ में अच्छी फिल्म्स देखते हुए इतना पैसा कमाते हो, घर में प्लास्टर क्यों नहीं लगवाते? और आगे दिखाइए. आई हैव ए सीरियस लव अफेयर विद प्रिंट एंड स्ट्राइप्स. नाइस पिक्चर. कमेंट्स दिखाइए. मेरा नाम स्ट्राइप्स है, लोग प्यार से मुझे प्रिंट बोलते हैं. डीएम मी योर नंबर. ये कपड़े आप ही के हैं या प्रेस वाला गलत कपड़े दे गया? आप ऐसे बैठी हैं या फिसल के गिरी हैं? कितना देखो टाइम है.
मेरी मम्मी भी ऐसे ही बड़े कपड़े दिला देती है, कहती है अगले साल भी काम आ जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। और दोपहरी वाओ, ये प्ले कर रहे हैं सर? हाँ, मतलब ये मेरी नॉवेला है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ ऑडियंस। अच्छा जी जी, दिखाइए कमेंट्स। उसी की तस्वीर। अच्छा जी सर, दोपहरी कम शाम ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जादू करेंगे और अभी जैकेट में से कबूतर निकालेंगे। पंकज जी, किसी दोपहर को अपनी दोपहरी टोरंटो कनाडा भी लेकर आइए। एक उम्र हो गई है आपसे मिलने की तमन्ना में, आपके इंतजार में। वाह वाह। और दिखाइए। नाइस। शाहिद भाई, कल हमने आपका एक रील देखा, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ, पहले तो वो रील दिखाइए जरा। तो ये रील शाहिद भाई ने डाला है। शाहिद भाई, आप खुद भी पिता हैं, अभी फिल्म में भी आप पिता बने हैं और आपके पिता भी फिल्म में हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, मैंने ये रील इसलिए डाला था बिकॉज ये पहली फिल्म है जिसमें मैं पिता का रोल निभा रहा हूँ जी, और उस फिल्म में मेरे साथ डैड भी हैं, तो एक बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए इस फिल्म के अंदर कि डैड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और एक्चुअली ये कोविड के टाइम जब हमने ये फिल्म की थी, तो पहली बार जब सब रुक गया था कोविड के बाद, तो उसके बाद पहली बार हम बाहर निकले थे एज फादर एंड सन, हम साथ रह रहे थे और यू नो हमें साथ में वक्त बिताने का मौका मिला। सेट पे प्रोफेशनल रहते थे लेकिन सेट के बीच में मेरे फेवरेट टाइम से जब हम साथ में लंच खाते थे, स्पेशली देहरादून में जब हम लोग थे, वी यूज़ टू गेट सम टाइम टू ईट टुगेदर एंड टॉक टू ईच अदर। डैड का कमरा मेरे पास होता था, कुछ बार हम लोग उनके कमरे के नीचे एक गार्डन है वहाँ पे डैड कॉफ़ी पीते थे, मैं उनके साथ बैठ जाता था। अच्छा। और एट द सेम टाइम मैंने एक फादर का इमोशन इस फिल्म में प्ले किया है। तो यू नो कहते हैं कि जब आप बेटे होते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यू नो पापा ऐसा क्यों सोचते हैं, मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देखते। लेकिन जब आप एक पेरेंट बनते हो तो आई थिंक तभी आपको समझ में आता है कि जो माँ बाप एक बच्चे के लिए फील करते हैं वो तभी आप समझ सकते हो जब आप कोई यू नो पेरेंट बनते हो। शाहिद भाई ना एक्चुअली बड़े बदल गए हैं, ये पिछली बार भी इन्होंने जिक्र भी किया था कि यार कोविड के बाद ना मेरा नजरिया ही चेंज हो गया जिंदगी को लेके। और वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपके साथ होती हैं, हम नहीं समझते कई बार अपने पेरेंट्स को, लेकिन जब हम माता पिता बनते हैं तब जाके कुछ चीजें पता चलती हैं। अभी तो जब बड़े होंगे और चीजें पता चलेगी आपको। पंकज सर, जब हम लोग ये फोटोग्राफ्स के नीचे कमेंट्स पढ़ रहे थे, एक किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था दोपहरी वाली फोटो के नीचे जी, कि मजहब अगर बेनाम हो जाए तो सुकून मिले जी। तो पहले मुझे लगा शायद वो दोपहरी का कोई हिस्सा है, फिर मैंने बाद में पता चला कि आपकी कोई लिखी हुई नज्म है, प्लीज अगर हमारे दर्शकों को वो सुना दे तो मजा आ जाए। आप कह रहे हैं तो जरूर सुना सर, प्लीज प्लीज। तो नज्म है, छोटी सी है, सुकून उसका नाम है। मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले, मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले, हर खुदा में खुदा हर में है। यहाँ पे हर का मतलब हरी भी है। हर खुदा में खुदा हर में है, ये बात आम हो जाए तो सुकून मिले। वाह वाह वाह। नज़र का उठना, नज़र का उठना कुछ कहना लाजिम है, नज़र का उठना कुछ कहना लाजिम है, हर नज़र पाक हो जाए तो सुकून मिले। वाह वाह वाह, क्या बात है। चांद तारे सूरज आसमान सबके सब, सबके सांझे हैं, इंसान भी इंसान का हो जाए तो। वाह वाह वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। वाह सर, ब्यूटीफुल, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सर। आप क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो बड़े सारे जो सब आपके फैंस हैं वो पूछना चाहते हैं जी जी, कुछ चीज़ें हैं, बोलते हैं कि देखिए शाहिद बचपन में कैसे थे, ये आपको तो पता है जी, आप बचपन में कैसे थे हमें नहीं पता। ये आपके ऊपर आप बताते नहीं बताते, लेकिन कुछ कंपेटिबिलिटी है कि आप दोनों में से, फादर और सन में से, कौन ज़्यादा पंक्चुअल कौन है? ये मेरे लिए कहना इनके लिए इनके बारे में मुश्किल है, इनके लिए मेरे बारे में कहना मुश्किल होगा। अच्छा, लेकिन ये मुझे पता है कि जर्सी के टाइम पे हमारी गाड़ियां तकरीबन एक टाइम पे पहुंचती थी। वाह। अच्छा। क्या बात है। और सच ये है कि मैं अपने ड्राइवर से कह रहा था यार जल्दी कर, डैड पहले पहुंच जाएंगे। कॉफी का मग लेके बाल बन रहे, जल्दी कर यार, क्या कर रहा है डैड, पहुंच रहे हैं के ऊपर। तो पंक्चुअलिटी मैंने डैड से ही सीखी है, ही इज वेरी 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 पंक्चुअल। आपको क्या लगता है सर, शाहिद ज़्यादा शरारती थे बचपन में कि आप खुद स्वयं शरारती रहे हैं काफ़ी? दैट सच बता दो। मैं सच बताऊंगा, कोशिश करूंगा जी, कोशिश करूंगा। शरारती मैं भी था।
अच्छा जी. लेकिन इनमें एक शरारत है जो मेरे ग्रैंडसन में भी है. अच्छा जी. वो क्या शरारत करने के बाद वो यूं पलट के देखते हैं कि अब बता. अच्छा. मतलब ये वाली, ये शरारत इनमें भी है, वो इनमें थी. मेरे अंदर जो शरारत थी वो शरारत करके मासूमियत से चुपचाप. हाँ. चुपचाप वाली. शुरू से कमाल एक्टर रहे आप. नहीं. मगर बच्चे शरारती ना हो तो फिर मजा ही नहीं. मजा ही नहीं वाकई. अच्छा, गुस्सा जल्दी किसको आता है, आपको या शाहिद को? I think I am bad at it. I used to be bad at it. I'm much better now. शायद आपका भी ये मानना है? डैड का पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर था, बट अब का डैड का मतलब बहुत शांत हो गए. कभी कभी मैं डैड को कहता हूँ चिल्ला दो डैड प्लीज प्लीज आई एम मिसिंग इट. पढ़ाई में कौन ज्यादा अच्छा था, शाहिद बचपन में स्कूल में बहुत अच्छे थे कि आप जब पढ़ते थे तब? शाहिद बहुत अच्छे थे. अच्छा जी. मच बेटर. आई वॉज टू से द लीस्ट आई वॉज अ बैड स्टूडेंट. पर अब लोग आपको पढ़ रहे हैं, देखिए आप. अच्छा, जैसे जर्सी में मृणाल और शाहिद जो इनके किरदार हैं, उनका बच्चा जो है वो जिद कर रहा है कि मुझे जर्सी चाहिए, और ये हाथ पैर मारते हैं, पैसों का जुगाड़ भी करते हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या लगता है, जिद जो होती है कभी कभी पत्नियाँ भी करती हैं, कभी कभी दादाजी भी कर देते हैं जिद, आपको क्या लगता है? आपका कोई पर्सनल किस्सा हो घर में, आपके ज़्यादा जिद्दी कौन है? जी भाई साहब, ये इनको माइक दे दीजिए. जी कपिल जी. नमस्कार सर. नमस्कार. हेलो एवरीवन. हेलो, मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी और मैं मुंबई से हूँ. बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब जी. थैंक यू, थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है कि ना तो बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ना तो बड़े ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ये पत्नियाँ बहुत ज़िद्दी होती है. ऐसे क्यों? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वो एक गवर्नमेंट जॉब करती है. कौन, आपकी वाइफ? नो, मेरी गर्लफ्रेंड. और अभी आपकी शादी हुई नहीं है? नहीं हुई है अभी तक शादी. और उसकी जिद है कि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे तभी तक आपसे शादी नहीं करोगे. ये तो अभी एक ही चीज सुनी आपने, जिस दिन वो पत्नी बनेगी ना. मैंने सब गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लिए, जॉब मिल नहीं रहा है. अच्छा. बोला भाई इतनी आसान नहीं है, आप सोचो क्या करना है आगे. तो वो बोल रही है या तो गवर्नमेंट जॉब देख लो या तो मैं बॉयफ्रेंड देख लेता. वो कह रही कि या तो गवर्नमेंट जॉब करो या तो मैं दूसरा बॉयफ्रेंड देख लूंगी. अच्छा, मौका है आपके पास. हाँ सर, वही मैं सोचा ठीक है फिर मैं प्राइवेट जॉब वाली देख लेता हूँ. पर जरूरी नहीं है, दुनिया में कितने लोग हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर सकते ना. एक एक लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं. आप अपना फार्मिंग करिए जैसे अर्चना ने मगरमच्छ पाले हुए हैं. आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपको नौकरी मिल जाए सरकारी, पर अगर नहीं मिली तो? सर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो वो उदास होगी, उसके अच्छा मैं उदास हो जाऊंगा. बड़ा दर्द है आपकी कहानी में. बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, शुक्रिया जी. और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम. सशिकाल, नमस्ते सर. सशिकाल, नमस्ते. कहाँ से आए हो आप? मैं पंजाब गुरदासपुर से आई हूँ. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आई थिंक बच्चों की जिद ज्यादा बड़ी होती है बड़ों से. कैसे पता आपको? इन द सेंस आपको ठोकरे गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती, अगर आपके अंदर जिद हो ना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती. बड़ी अच्छी बात बोली आपने. तो मैं गुरदासपुर में एज अ पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हूँ. हैं? अरे वाह, क्या बात है. आपको पता मेरे पिताजी पुलिस में थे? मेरा सारा टब्बर पुलिस से है. साडा भी पता मैं तोड़ा सारा. अच्छा. अच्छा, आप पुलिस में हो तो चोर तो खुद ही आ जाते होंगे हमें पकड़ लो. जॉब मिलने के बाद ना जिंदगी में कुछ मेरे भी जैसे ड्रीम्स होते हैं ना, सबकी जिद होती है. हाँ तो मेरे भी जागे. अच्छा जी. तो जब मैंने मैं अपने सपने लोगों को बताने शुरू किए ना, सारों ने मुझे थल्ले डगा दिया. घर वालों ने, सोसाइटी ने, सब ने. लाइक मैं ढोल बजाती हूँ, आई एम ढोल प्लेयर. अच्छा जी. एंड मैं भंगड़ा स्टंट स्टूंट सीखे, सब कुछ सीखा, मस्ती एक्टिंग कॉमेडी सब कुछ किया. अच्छा, जहाज भी उड़ा लेती? जहाज वगैरह उड़ा लेती? वो भी करांगे, सबर. जब शुरू किया ना मैंने तो इतना सपोर्ट नहीं मिला, बट जब कहते ना आप कुछ करने लग पड़ते हो, मुझे इतने ताने गंदे गंदे मिलते रहे, बट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ. एंड इन द एंड अब मुझे लोग प्यार करने लग पड़े हैं. अच्छा, सपोर्ट करने लग पड़े हैं और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लग. चौधरी साहब की नजर आप पे ही है जब से सरकारी नौकरी वाली लड़की. इन्होंने अभी अभी मैसेज किया है मैंने देखा अपनी वाली को कि मेरे को नौकरी तो नहीं मिलेगी, मेरे को कोई गवर्नमेंट नौकरी वाली दिख गई. और मैं यही बोलूंगी बड़ों की और बच्चों की जिद जिद होती है. और मैं एंड में एक शायरी शुरी भी बोलती हूँ. एक चीज शायरी बोलती हूँ. मेरे को पता है, मेरे को लग रहा है आप कमीज भी रफू कर लेती फटी हो. वो भी कर लेती, सारे काम घर के भी आते हैं मुझे. अच्छा जी.
पर आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जिद जो होती ना, अच्छी जिद, कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, आप लगे रहते हो तो हो जाता है ऐसा। जिद तो तब तक करेंगे जब तक मेरी जिद पूरी नहीं होगी, कोशिश हर दिन करेंगे क्योंकि वही जिंदगी की कहानी जिससे पूरी होगी। वाह क्या बात, थैंक यू। और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। नाम भी बताया आपने अपना। माय नेम इज साक्षी शर्मा। साक्षी बहुत अच्छा लगा, आप बड़ी प्यारी हैं, बातें बड़ी प्यारी करती हैं, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे आके एक बार मिलना चाहती हूं और सर से भी मिलना चाहती हूं। शायद सर से आइए आइए पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। पुलिस वाली है भाई, सॉफ्ट पुलिस वाली महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So proud of you. I'm very happy. I'm very lucky. Thank you. Thank you, Sakshi. बात है ब्रो साहिब जी, कितना खुशी हो रहा है यार इनको देख के। मृणाल जी नमस्ते, पंकज जी आपके तो हम चरण स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। अरे यार ब्रो, ये ब्रो सर माइसन बच्चा यादव, फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फादर्स डे आज कहां फादर्स डे? अरे कम ऑन यार कपू शर्मा, देखिए आप दो बच्चों के बाप हैं, शाहिद जी भी बाप हैं, ये इनके बाप हैं, सब बाप है, हम 11 बच्चों के बाप है, और अर्चना जी चीना झपटी में सबकी बाप है। लेकिन सर आपकी गजलों के कायल है। अरे गजले वो पंकज उदास है। नहीं, वो पंकज तो उदास होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, शाहिद जैसा होनहार बेटा इन्हें जो मिल गया। शाहिद जी हम सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, यू हैव गॉट न्यू कार, आई नो मिठाई नहीं खिलाया आप, गलत बात यार, एक बाल्टी मिठाई ले आते मजा आ जाता सर। बाल्टी में मिठाई कौन खाता है, तो किस में खाता है? अबे डब्बे में आती मिठाई तो। ना ना कब तक डब्बे में खाएंगे सर, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन शाहिद जी हम आपको बताएं, आप क्रिकेट के ऊपर फिल्म करने वाले हैं ये हमें बहुत पहले से पता था। वो कैसे? आपका एक गाना आया था, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया। मैच कैच हम तभी समझ गए थे कि आपका सोनाक्षी सिन्हा जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा क्रिकेट में। लेकिन सर आपने क्रिकेट के ऊपर फिल्म किया, हमें नहीं लिया, क्यों यार? तेरे को आता है क्रिकेट का कुछ पता तेरे को? अरे कटप्पा को एक टप्पा में आउट करने वाले इंसान है हम, और आपको हम सच बताते हैं, रियली आपकी ये जो फिल्म है ना ये हमारी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। वो कैसे? हम आपको बताते हैं, हम देखिए आपकी फिल्म में आप वाइफ के पर्स से चोरी करते हैं, झगड़ा होता है वाइफ के साथ, आप कोच के पास जाते हैं, टीम बनाते हैं। हमारा थोड़ा सा उल्टा है, हम कोच के पर्स में से पैसे चुराए, कोच से झगड़ा हुआ, वाइफ के पास गए, हम वहां टीम बनाए, हमारे 11 बच्चे हैं। 11 चिल्ड्रेन। बच्चा या बैठ जा आराम से और जबान संभाल के जरा। अरे सर जबान संभाल के की याद दिला दी सर। सर क्या सो था, जबान संभाल के याद है सबको। ओहो और सर करमचंद जिसमें आप डिटेक्टिव थे, गाजर खाते थे आप, वो हमको इतना अच्छा लगता था जब वो सो आता था ना सर, हमारे घर में सूजी का हलवा बनता ही बनता था। सूजी का हलवा क्यों? गाजर का तो बन नहीं सकता ना, सारे खा गए ना। नहीं लेकिन सच आपको बताएं, वो खरगोश और कछुए की जो कहानी है उसमें खरगोश क्यों हारा? क्यों हारा? गाजर बचा ही नहीं ना खाने के लिए, कमजोर हो गया बेचारा सारे। सर हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है। जॉक्स तो आपको जॉक के पिटारे में से एक जॉक सुनाते हैं, हमको बताइए। एक बार ना एक ट्रक वाला है इधर से आ रहा है, एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है, छोटा पतला सा सड़क है, एक टाइम पे एक ही ट्रक गुजर सकता है। अब एक ट्रक वाला यहां से, एक ट्रक वाला यहां से, कैसे गुजरेगा बताइए? कैसे? चल के गुजर जाएगा यार, ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक थोड़ी ना। सर आज आप आए हैं ना, तो पहली बार ऐसा जोक का पिटारा तो हम लेके घूमते हैं, पहली बार आई हैव गॉट ए विजुअल जोक। कैसे? हम दिखाते हैं आपको।
ये आपको बताना है कि ये किस कलाकार का नाम है. इट इज ए हॉलीवुड एक्टर, फेमस. अल पचिनो. ओए यार, एल पचिनो. अरे यार साहिद जी, कमाल निकले यार आप. वैसे मृणाल जी, एक थोड़ा सा ना एक गिफ्ट भी लाए थे आपके लिए. मेरे लिए? हाँ जी. दीजिए. थोड़ा सा महंगा है लेकिन ना मत कहिएगा. बिल्कुल नहीं. प्लीज. देना है कि मांगना है? नहीं नहीं, महंगा है तो ना मत कीजिएगा. नहीं नहीं, क्या कहते हो, इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट टेक इट, ऐसा लड़कियां बोल देती हैं, ऐसा मत कहिएगा. ठीक है. इट्स ए ब्रेसलेट. ओ, पहना दीजिए. ओ गॉड. नींबू वैसे भी महंगे हैं, काफी महंगे हैं आज की डेट में. ये घर लेके जाऊंगी आपके लिए. विटामिन सी. थैंक यू सो मच, यू एक्सेप्टेड इट. वैसे पंकज जी, देखिए आप ये शो में पहली बार आए हैं. अब शाहिद जी आपके सामने डांस करें, ये नॉर्मल चीज हो गई. लेकिन अगर बाय चांस शाहिद जी, मृणाल जी और हम तीनों साथ में डांस करें, इट कैन बी यूनिक. डू यू वांट यूनिक एक्सपीरियंस? यस आई डू. यू वांट? मृणाल, शाहिद भाई, थैंक यू सो मच आप दोनों का. आपकी वजह से हमें आज पंकज सर से मिलने का भी मौका मिला. और सर, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके. थैंक यू सो मच. और आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां, आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. लव यू. थैंक यू कपिल. थैंक यू भाई. थैंक यू भाई. लव यू. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. और दोस्तों, आप सब जानते हैं पूरे देश में बहुत तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है अपने घरों के बाहर खिड़की पे, दरवाजे पे या सड़क के किनारे मासूम पक्षियों और जानवरों के लिए पीने का पानी जरूर रखें, उनके खाने के लिए कुछ जरूर रखें. और हाँ, हो सके तो घरों में जो पानी की वेस्टेज होती है उसको जरूर रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जल है तो कल है. गुड नाइट, शुभ रात्रि. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.